अचानक साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में और मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है होली, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान जी करे कि आपकी लाइफ भी ऐसे होली के रंगों की तरह रंगीन हो जाए, खूब सारी खुशियाँ भर जाए आपकी लाइफ में। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का होली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने सोचा था कि होली का ब्लॉग सूट करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, बट ना हो नहीं पाता है, गांव आके पॉसिबल नहीं हो पाता है कि क्या सूट करूं क्या नहीं करूं, कितना भी सोचो ना तो नहीं हो पाता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि शायद ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा, मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉग में, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं ब्लॉग सूट नहीं कर पाऊँगी। तो इसके लिए कितने लोगों ने ये भी बोला था कि देखते हैं कि लास्ट ब्लॉग होता है क्या होता है, ये तो बोली थी कि लास्ट ब्लॉग था, क्योंकि मैंने उसके बाद जो ब्लॉग डाला, आने वाला ब्लॉग डाला था, तो उसमें कितने लोगों ने कमेंट किया कि आप तो बोली थी कि लास्ट ब्लॉग होगा, मैंने आप तो बोली थी कि मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी, मैंने ये बोला था कि शायद ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज ना होली है, तो हम लोगों के यहाँ होली पहले रंग वंग से खेल लेते हैं, उसके बाद ना शाम को बिल्कुल तैयार होके और जाते हैं, सबसे मिलने जाते हैं। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, देख सकते हैं नहा के आई हूँ, मैंने नाइटी डाल लिया है। और मैं ना यहाँ पे ना मतलब ठंडी के हिसाब से कपड़े लेके आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सर्दी थी, आप लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ आके इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना कि क्या ही बोलूँ। उस हिसाब से मतलब उतने कपड़े मैं गर्मी के हिसाब से नहीं लेके आई हूँ। तो ये नाइटी ना यहीं पे पड़ा हुआ था, तो मैंने कंफर्टेबल के लिए डाल लिया। तो आज मैंने सोचा कि होली का है, तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे तैयार होते हैं, कैसे होली खेलते हैं। तो होली खेलने वाला नहीं कर पाए, और आज बहुत सारा पकवान बनता है, आप लोगों के यहाँ भी बनता होगा, पूरी पुआ गुजिया ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सबके यहाँ ही बनती हैं, लेकिन हमारे यूपी बिहार में ना इसका थोड़ा ज़्यादा ही है, ये पुआ पूरी ये सब ज़्यादा बनता है, साथ के साथ नॉनवेज भी बनता है, मतलब कटहल की सब्ज़ी बनती है, पनीर की सब्ज़ी बनती है, बहुत सारा मतलब खाने पीने में बहुत सारा तामझाम होता है। उसके बाद इतना सारा डिशेज बनाने के बाद उसके बाद तैयार हो के अच्छे से तैयार होना रहता है हम लोगों को, मतलब फुल मेकअप सेकअप करके अच्छी सी साड़ी पहन के तैयार होना रहता है शाम को। तो उसके बाद सब लोग आते हैं, पूरे गाँव के लोग आते हैं मतलब होली खेलने के लिए, अबीर वाला होली, रंग वाला होली सुबह हो जाता है, एक दिन पहले हो जाता है, और शाम को अगले दिन अबीर वाली होली होती है, जिनको जो छोटे रहते हैं बड़ों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग भी जाएंगे मतलब सबके घर, लेकिन इस पर तो मैंने सोच रखा है कि जाते मतलब पूरे गांव में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो आसपास में है, जो हमारा खानदान होता है, थोड़ा जाना ज़रूरी होता है, तो चले जाएंगे। तो वही अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, और फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, नहाने के बाद भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने नहाया है, देख सकते हैं मेरी हालत। तो मुझे अभी तैयार होना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं क्या पहनने वाली हूँ होली के दिन। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मेकअप सेकअप जो भी करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट मैं जो बैंगल्स पहनने वाली हूँ वो दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं, ये बैंगल्स पहनने वाली हूँ, ये चूड़ी से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इसी कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ, और इसके साथ ये झुमके पहनने वाली हूँ मैं, गोल्ड के झुमके पहनने वाली हूँ मैं, मुझे ऐसे झुमके बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये पहनूंगी। और साड़ी दिखाती हूँ आप लोगों को, बाकी सारी ज्वेलरी वगैरह जो पहनूंगी अब जब तैयार होंगी तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इकट्ठा करके रखा है ब्लाउज वगैरह, ये देख सकते हैं ये ब्लाउज है, ये देख सकते हैं फुल हैवी वर्क की साड़ी है ये, आजकल ये साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, ये ऐसे गले पर भी वर्क है, और ये जिम्मी चू की साड़ी है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ऐसे हैंड वर्क वाले, तो ये बहुत ही हैवी साड़ी है, बहुत ही अच्छी है। और ये साड़ी भी मैंने इंस्टाग्राम के स्टोर से ही मंगवाया है, जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे उनको पता चल जाएगा, ये साड़ी इतनी खूबसूरत है ना, स्पेशली इसका कलर की ना कलर मतलब वीडियो वगैरह में बहुत क्लियर नहीं आ पा रहा है, जो मतलब ओरिजिनल कलर है नहीं आ पा रहा है, लेकिन रियल में ये साड़ी की कलर और साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकते हैं इसका वर्क। तो फाइनली आज मैं यही पहन के तैयार होने वाली हूँ, तो सोचा है कि सारी वीडियो शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जितना हो पाता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए अभी मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, छोटी को मेकअप करना है, आप लोगों को पता ही है कि गांव आ जाती हूँ तो सारा मेरा मेकअप सारा लुक वही तैयार करती है, तो देखते हैं आज कैसा तैयार करती है मुझे। तो चलिए अभी तैयार होते होते अगर मेकअप पॉसिबल हो पाया तो आप लोगों को दिखाऊँगी मैं,
तो चलिए आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। तो ये है हमारा होली का लुक, बहुत कुछ सूट नहीं कर पाए, पूरा होली होली खेल लिया, खोलने जा रहे हैं तो सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा अपडेट दे देती हूँ मैं। इनसे मिलिए, हम लोगों ने सोचा था कुछ मिलता जुलता सिमिलर सा ही कलर करेंगे, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं हो पाया, बट एक ही खानदान के अलग अलग सेट्स पहने हुए हम लोगों ने। मैं दिखाती हूँ इधर, ये भी, ये हमारी सिस्टर है चाचा की लड़की, मतलब मेरे अपने चाचा की लड़की है, कजिन सिस्टर है हमारी, तो इसने भी ब्लू पहना है, मतलब खानदान एक ही है पर थोड़ा शेड अलग अलग हो गया है, लेकिन है ब्लू कलर ही। और पहली बार आप लोग को मेरी आवाज़ इतनी धीरे धीरे सुनाई दे रही होगी, इसका रीज़न ये है कि चलो अरे मुझे काट बोलो, बोलो। अब बोलो। इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सुबह से एक टांग पे खड़ी हूँ, मतलब क्या बोलूँ, मैंने इतने लोगों का यार इधर घुसा दीजिए यार, से दूर रखिए, अच्छी लग रही हो इसलिए पास थोड़ी मोटी। मैंने सबको तैयार किया है, इस वजह से मैं थक गई। मैं इनका हेयर स्टाइल आपको दिखाती हूँ पीछे से, ये सब करने में बहुत टाइम लगता है, वैसे अभी थोड़ा हालत पंचर हो गया, ये यहाँ पे था जो कि चूके यहाँ तक जा चुका है, तो आप लोग इमेजिन कर लेना कि जब ये वहाँ होगा तो कैसा लगता होगा, क्योंकि अभी फिर से सेटल करने के क्या बोलूँ हिम्मत में नहीं है हम लोग। अब आगे मुड़ जाइए। ये देख सकते हैं एकदम, मैं पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ श्रीदेवी का लुक। श्रीदेवी, तो अभी मेरा ब्लॉगिंग करते हुए मैंने छोटा कैमरा होल्ड किया है। अच्छा हाँ, बहुत थक गई है सबका इतना मेकअप कर करके, लेकिन सबसे लास्ट भी क्या, सबसे गोरी में ही लग रही हूँ। हाँ क्योंकि लास्ट का लास्ट है, हम लोगों को पहले ही कर करके नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने जो भी मुझे गुलाल लगा रहा था तो मैं थोड़ा आराम से लगवा रही थी, सिर्फ इधर इधर ही लगा, इन लोग का ये तो पूरा भूत बन मेरे, देखो इसने अपना गुलाल पोछा हुआ, इसकी वजह से इसका थोड़ा सा ऐसे ब्लैक सा दिख रहा है, क्योंकि पूरा गुलाल लग गया था मुंह पे, तो इसने पूरा पोछा है, और दीदी का भी लगभग लग ही गया है, ये पूरा रेड हो गया है, अब यही नहीं छूटेगा मेरा क्योंकि वो पसीने से चिपक जाता है। तो कैसा रहा आप लोगों का होली, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोगों का होली तो बहुत जबरदस्त रहा, इतना सुंदर सुंदर मेकअप कर करके बस तैयार हो गए, बस कुछ किया नहीं हम लोगों ने, हमारे यहाँ गांव में ज्यादा कुछ किया नहीं है, शूट करना था, वीडियो भी नहीं शूट किया, वीडियो भी नहीं, बस थोड़ा जो अपना मतलब मोहल्ला है अपने आस पास के लोग, हाँ खानदानी पार्टी हम लोगों में जो बोलते हैं, तो उनके घर पे जाके हमने प्रणाम कराया, आशीर्वाद लेके आए, बस ज्यादा कुछ नहीं किया। पहले तो बहुत ज्यादा होली होती थी हमारे, मतलब बहुत ज्यादा। हे गाइस, तो और भी हमने होली खेल लिया, देख सकते हैं कितना पूछ रही हूँ फिर भी कोई ना कोई लगा के जा रहा है, और अभी बच चुके हैं 11:15 हो रहा है, तो हम खाना वाना खाएंगे, तो अब चेंज चूंज करने जा रहे हैं, तो जो भी सूट किया था आप लोगों को दिखाऊंगी, कैसा लगे लगा आप लोगों को ये ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट में। ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पा रही, तो जो भी किया है आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, मतलब तैयार होकर तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन अभी रंग वंग की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए इस ब्लॉग को हम यही एंड कर लेते हैं, अभी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, हाय लव यू ऑल, एंड वंस अगेन आप सभी को हैप्पी होली। तो इधर चल रहा है वीडियो शूट की तैयारी, ये हीरोइन को दिखा देती हूँ मैं। ओ गॉड, कौन क्या बनी है छुट्टी, पता नहीं, मेकअप करने बैठती हूँ, जो जो मन करता है वो थक पे जाती हूँ, कभी भी मैं कोई लुक सोच कर रेडी होने नहीं। अब मेरे को भी ऐसे ही तैयार करना, एकदम गंधा की तरह। अरे नहीं रुको, बहुत अच्छा आ रहा है, चलो अभी नीचे करो एकदम क्लियर।
बिल्कुल नेचुरल, ये बिना फिल्टर के, कलर गोरा नहीं हुआ है, देख सकते हैं इसके मेकअप। मेरे को भी ऐसे ही मेकअप चाहिए, मैं बता रही हूँ। अभी लेट हो रहा है मेरा, नहीं तो जा रहा, वीडियो पहले बन जाए। चलो सो गाइज, अभी फिर से रिटेक लिया जाएगा क्योंकि पीछे जनता परेशान है बेचारी छोटी। नहीं, वीडियो जो मैं बनाती हूं तो देखते सब लोग आगे से खड़ा होकर देखते हैं, बट अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि शायद शर्मा के हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, जो भी रीजन हो, पर कोई बात नहीं। वो बैकग्राउंड में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो ये जैसे जो पीछे का आप लोगों को दिख रहा है वो दूसरे का घर है, और जो पहले दिख रहे थे वो भी। चलो चलो रिटेक रिटेक। हे गाइस, तो अभी ऊपर का खत्म हो गया और नीचे चल रहा है अभी। अब ऊपर अंधेरा हो गया था तो नीचे तो आ जाते, मतलब पूरी रात जब तक चाहे आप कर सकते हैं रिंग लाइट बजा के, लेकिन हाँ ये पूरा मतलब प्रॉपर स्पेस नहीं मिल जाता। छत पे डांस वांस करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम लोग मोस्टली छत पे ही बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल लाइट में वीडियोस कुछ ज़्यादा ही अच्छी आती है, और रिंग लाइट में ना सिर्फ फेस का अच्छा आता है, पूरा फुल बॉडी का उतना अच्छा नहीं आ पाता। तो आपको इसके आगे का वो म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं सॉन्ग बजाने जा रही हूँ तो कॉपी राइट आ जाएगा। देखो लाइट पे दिखा दूँ, आई साइड है तुम्हारा, वाह एकदम दुल्हन लग रही हो छोटी। मेरा भी इसीलिए तारीफ कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी ऐसा ही करना। मैं बस, मेरे मन में यही बात थी, मैं बोल रही थी।